बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हमने ऑनलाइन क्लास में भी एक्सरसाइज 5.2 की है। 5.2 एक्सरसाइज में आपको कम्पोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन था। आपको मैंने ये पार्ट टू लिखा था, ए इजिकल टू एन, बी इजिकल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इवन इंटीजर। यानी आपने वो इवन इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन हमने वो इवन इंटीजर्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, यानी वो नेचुरल नंबर्स जो इवन इंटीजर्स हैं। तो कौन कौन से हैं देखें, ए एन इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, एक्स साइड डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स इज एन इवन इंटीजर, सो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो 2, 4, 6, 8, 10, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते। सो कम्पोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी इजिकल टू बी यूनियन ए, तो हमने इसमें ए यूनियन बी निकाला ए, और फिर हम इसके बाद बी यूनियन ए, दोनों सेट्स को आप क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें प्राइम नंबर्स बताए। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स से, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7 अप टू 29, और ये 29 तक आएंगे। इसके बाद और भी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन उससे कंडीशन है कि फर्स्ट 10, और इसी तरह फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रूफ करनी है, कम्पोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस योरसेल्फ में दिया था कि आप घर में करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ए और बी सी सेट आपको गिवन है, ए सेट था 1 to 100, बी 2, 4, 6, सी 1, 3, 5। तो आपने जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो हमने इसमें सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है, जो इसका आंसर आएगा उसके साथ फिर हम ए यूनियन निकालेंगे। तो ये मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया है, तो बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी हमारे पास आया है 1, 2, 3 अप टू 100, ए यूनियन बी यूनियन सी उसका आंसर भी 1, 2, 3 अप टू 100 आया। फिर मैंने इसमें राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी दोनों सेट को फिर कंबाइन किया 1, 2, 3 अप टू 100, और ए यूनियन बी यूनियन सी में भी आपके पास आंसर 1, 2, 3 अप टू 100 आया। लेकिन याद रखें कि ए यूनियन बी में यहां पर आपने इसका आंसर पुट करना है, यानी ये आपने वैल्यू निकाली थी, ये आपने इसका आंसर इधर पुट किया है, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल। इसी तरह आपने इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालनी है, सिर्फ फर्क ये होगा कि जहां पे यूनियन आ रहा है वहां पर आप इंटरसेक्शन पुट कर दोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि फाइंड वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अब इसमें क्या करोगे, ए की वैल्यू है 0, 1, 2, बी 0, सी नल सेट मीन एम्प्टी सेट। तो ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी, इसकी जनरल फॉर्म है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, दोनों में क्या आया, एम्प्टी सेट, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपने फिर इसका आंसर इसके अंदर यहाँ पे यही वैल्यू पुट की डायरेक्ट, तो 0, 1, 2 दोनों में यूनियन लेंगे, 0, 1, 2 आएगा हमारे पास। इसके बाद मैंने इसका जो राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड हमारे पास है इसकी ए यूनियन बी यूनियन ए, ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, 0, 1, 2 यूनियन 0, 0, 1, 2 यूनियन मीन इकट्ठा करें, और फिर उसके बाद आपने यूनियन लिया ए यूनियन सी, 0, 1, 2 इंटरसेक्शन मीन दोनों में कॉमन क्या है, 0, 1, 2। तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से, ये सेकंड रिजल्ट से हमें ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि वेरीफाई डिमार्गन, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें था कि वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ, लॉज डिमार्गन्स के दो लॉज हैं, क्या लॉज हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सेट ये था एक्स साइड डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 1 के इक्वल है और इससे ग्रेटर भी हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 20 भी है और इससे लेस भी, तो इक्वल टू 1 और इक्वल टू 20। तो देखें 1 से लेकर आप 20 तक सारे नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद 2, 3, 5, ये आपको बी और ए और बी सेट क्वेश्चन में गिवन थे। आप इस पर मैंने फर्स्ट लॉ प्रूफ किया है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी, तो ये मैंने ए यूनियन बी निकाला, और फिर मैंने इसका ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यू सेट लिखा डिफरेंस ए यूनियन बी का आंसर लिखा, और फिर इसका आंसर, अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए यूनियन बी में ना हो, तो वो कौन से हैं, 9, 15, 16, 19 एंड 20। इसी तरह टेकिंग राइट हैंड साइड
में आप पहले ए कम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालोगे, यू डिफरेंस ए, फिर यू डिफरेंस बी, यानी यू के वो मेंबर जो ए में ना हो और यहाँ पर यू के वो मेंबर जो बी में ना हो। तो हमने दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो वो भी हमारे पास क्या है, 9, 15, 16, 19, 20। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी पार्ट्स की बेटा आप इसमें प्रैक्टिस करें और इसमें सेकेंड लॉ भी आपने इसी पर प्रूव करना है। शुक्रिया।